सलमान खान और करण जौहर के पुतले फूके गए पटना में और इनके खिलाफ मुजफ्फरपुर में केस दर्ज हो गया है। और तो और इस हालिया अपडेट में आपको ये भी बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या है अपने पीछे कई सवाल खड़े कर रही है और कई सवालों के जवाब अब हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री को भारी पड़ने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि करण जौहर का खेमा हुआ, यशराज हुआ, बालाजी टेलीफिल्म्स, सलमान खान का प्रोडक्शन, संजय लीला भंसाली का प्रोडक्शन, इन सभी पर कार्रवाई होने वाली है। और तो और सलमान खान की मुसीबतें बहुत बढ़ रही हैं। जी हाँ, सलमान खान की जो मुसीबतें हैं वो इस कदर बढ़ने वाली हैं क्योंकि अनुराग कश्यप के भाई अभिनव कश्यप ने सलमान खान के पूरे फैमिली पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ ये कहा है कि किस तरह मैंने अपना जीवन 10 साल का स्ट्रगल इनके खिलाफ सहा हूँ। आज मैं आप लोगों को इस अपने पोस्ट के जरिए बताने वाला हूँ किस तरह से अरबाज और सोहेल ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया और इसके पीछे सलीम खान, सलमान खान, सोहेल खान और अरबाज खान है। और साथ ही साथ जिया खान की माँ, जी हाँ, 2013 में जिया खान ने सुसाइड कमिट कर लिया था और सुसाइड नोट के जरिए ये पता चला था इन सब के पीछे यानी उन्हें उकसाने वाला कोई और नहीं सूरज पंचोली यानी आदित्य पंचोली का बेटा है, जिसके लिए सूरज पंचोली को कुछ दिन जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन जिया खान की मां ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। अभी हाल ही में नवभारत टाइम्स को दिए इंटरव्यू में जिया खान ने की मां ने यह कहा कि सुशांत सिंह के परिवार के साथ मेरी पूरी हमदर्दियां हैं और साथ ही साथ इस ताज़ा मामले से मुझे मेरे 2013 में जब मेरी बेटी ने आत्महत्या की थी वो सारे मामले ताज़ा हो गए हैं। मैं जब भी CBI ऑफिस में जाती और उनके ऑफिसर से मिलती तब वो मुझे कहते कि सलमान खान का फ़ोन आया है, वो कह रहे हैं इतने पैसे दे दूंगा, उतने पैसे दे दूंगा, लेकिन लड़के से पूछताछ मत करो, लड़के मतलब सूरज पंचोली से पूछताछ मत करो। यानी कि सुशांत सिंह के आत्महत्या के बाद अब कई ऐसे लोग बाहर आ रहे हैं जो बॉलीवुड द्वारा प्रताड़ित किए गए थे, जो बड़े कैंपों द्वारा शोषण किया गया था उनका, जिन्हें बढ़ने नहीं दिया गया या उनके करियर को बर्बाद कर दिया गया, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स उनके हाथ से छीन लिए गए, उसमें से कई लोग अब बाहर आ रहे हैं और लोग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि सुशांत सिंह के जाने का दर्द आज सिर्फ उन्हीं के परिवार को नहीं है, सिर्फ पटना में ही नहीं है, पूरे देश में है और लगता है ये आक्रोश की आंधी काफ़ी बड़े नामों को ले डूबेगी। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।